और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी बच्ची दे दे। उसके लिए हमें इतने धक्के खाए, इतने धक्के, हमें कोई जगह से इंसाफ नहीं मिल रहा। साल है उसके बेस्ट सर्टिफिकेट, आप सब कुछ देख सकते हैं। मेरी बच्ची की उम्र 13 साल है। अभी उसके लिए मैं गुड़िया लेकर आई थी, मैंने कहा आप गुड़िया मांग रही थी तो गुड़िया लेकर आई, तो गुड़िया के साथ वो खेलती थी। लेकिन जबरी तब्दीली मज़हब, जब कोई कानूनी प्रोसीजर्स को मैनिपुलेट करे, जब मज़हब तब्दील करने वाले को अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त ना हो, जब वो फौरी शादी के साथ हो, तो फिर उस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसमें किसी किस्म का जबर है या नहीं है। मुख्तलिफ जुराइम, ख़ास तौर पर रेप केसेस को और चाइल्ड अब्यूज़ को और सेक्शुअल हैरेसमेंट को, ये पूछना पड़ेगा कि ये कमसन बच्चियां क्यों कन्वर्ट होती हैं। अगर जिले का डिप्टी कमिश्नर, अगर जिले का डीपीओ इन्वॉल्व होगा, तो जो एज सर्टिफिकेट होगा, निस्बतन वो मैकेनिज्म जरा क्रेडिबल होगा, वो जो वहाँ पे एक्सेस रखेगा या जहाँ पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस सर्टिफिकेट की होगी, वो निस्बतन उस पर क्वेश्चंस रेज नहीं होंगे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया इसमें किरदार अदा करे, बजाय इसके कि प्राइवेट ग्रो या प्राइवेट इंडिविजुअल्स जब वो इस अमल का हिस्सा बनते हैं तो वो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो ड्यूबियस हो जाता है। कि जबरन इस्लाम कबूल कराना मना है, बिल्कुल सही बात है, हम उस आयत को मानते हैं और भी करते हैं, ला इकराह फी दीन, सूरतुल बकरा आयत नंबर 256, दीन में जबर नहीं मुराद, दीन को कबूल कराने में जबर नहीं, ये अलग बहस है।